नमस्कार, सुचित्रा पांडे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, बेल का शरबत। ठंडा पीने का मतलब कोको कोला, स्प्राइट या फिर सेवन अप नहीं होता। गर्मियों के दिनों में पके हुए फलों का जूस पीने का मज़ा ही अलग होता है, और ऐसे में ही आज मैं आपके लिए बेल का शरबत रेसिपी लेकर आई हूँ। बेल का शरबत पीने से आपको लू लगने से बचाती है और हमारे अंदर जल्दी से एनर्जी आती है। इसमें ढेर सारा कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। खास करके बेल का शरबत पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे बनाने में हमें 10 से 15 मिनट लगता है। तो चलिए देखते हैं बेल का शरबत कैसे बनाते हैं। बेल का शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो बेल लिया है जो अच्छी तरह से पके हुए हैं, और इसे अब मैं तोड़ लूँगी। आप तोड़ने के लिए हथौड़े या किसी भी भारी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं इसे इस पे मार के तोड़ ली हूँ, और तोड़ने के बाद इसका पल्प जो है मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितना बढ़िया पका हुआ बेल है। अब इसके पल्प को मैं चम्मच की मदद से निकालूँगी। इस तरह धीरे धीरे करके चम्मच से सारे पल्प को निकाल लेंगे, और इसका शरबत तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इसे ऐसे भी खाना चाहें तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बेल का शरबत शरीर के लिए फायदेमंद होता है, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में। बेल का शरबत पीने से पूरी बॉडी में ठंडक घुल जाती है। दरअसल बेल का तासीर जो है बहुत ही ठंडी होती है। यही वजह है कि शरीर का तापमान मेंटेन रखने के लिए समर सीजन में बेल का शरबत पिया जाता है। इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। बेल का शरबत उपवास के दौरान भी पिया जा सकता है। इससे शरीर में एनर्जी मिलती है और बॉडी को ठंडक भी रखता है। इस तरह मैंने बेल के सारे पल्प को निकाल लिया है और उसे एक पतीले में डाल दिया है, और इसमें एक गिलास पानी डालेंगे, और इसके बाद हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, जिससे कि ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। अगर आपके पास मैसर है तो आप मैसर से भी इसे मैश कर सकते हैं, वरना हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। बेल को मैश करने से उसके रेशे और बीज निकल जाते हैं। बेल के पल्प को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो घोल है वो काफ़ी गाढ़ा है। इसमें मैं हाफ ग्लास पानी और मिक्स की हूँ, और अब इसे छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे। बेल को शरबत को छानते समय आप चम्मच की मदद से इसे छन्नी में थोड़ा दबाते जाइए, जिससे कि अच्छी तरह से जूस निकल जाए। शरबत को हमने अच्छी तरह से छान लिया है, और जो बेल के बीज और रेशे हैं वो छन्नी में ऊपर आ गए हैं, और शरबत भी बिल्कुल अच्छी तरह से छन चुका है। अब इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बेल की अपनी ही एक मिठास होती है, इसलिए ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ। और चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शरबत में चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, और शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है सर्व के लिए। बेल की शरबत को सर्व करने से पहले ग्लास में आइस क्यूब डाल देंगे, जिससे कि शरबत थोड़ा ठंडा हो और पीने में अच्छा लगेगा। आप चाहें तो फ्रीज में शरबत को थोड़ी देर के रख दें, जिससे कि वो ठंडा हो जाए, फिर सर्व करें, या तुरंत सर्व करना हो तो आइस क्यूब डाल के सर्व करें। ये लीजिए, स्वादिष्ट बेल का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप अपने मेहमान को सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए, और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।